हेलो फ्रेंड्स, आप सब लोग मेहनत करते हैं, करते हैं या नहीं करते हैं, मगर कभी अपने आप को यह सवाल पूछा कि मैं क्यों मेहनत करता हूं, क्यों परिश्रम करता हूं? शायद नहीं पूछा होगा। चलो आज पूछ लीजिए, आप क्यों मेहनत करते हैं। एक बार मैंने अपने आप को यह सवाल पूछा था कि मैं क्यों मेहनत करता हूं। जब मैंने यह सवाल पूछा तब मुझे यह तीन जवाब मिले थे। पहला जवाब यह है कि मैं इसलिए मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे सफल होना है। दूसरा, मैं इसलिए मेहनत करता हूं क्योंकि मुझे सुखी होना है। तीसरा, इसलिए मेहनत करता हूं कि मुझे मन की शांति चाहिए। मुझे लगता है कि मैं ये तीन चीज़ों के लिए परिश्रम करता हूं। शायद आप अपने आप को सवाल पूछोगे तो यही जवाब मिलेगा। हम सभी लोग ये तीन चीज़ों के लिए मेहनत करते हैं। मगर दूसरा सवाल यह है कि जो भी लोग मेहनत करते हैं, परिश्रम करते हैं, क्या सभी लोगों को ये तीनों चीज़ मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी है? नहीं, मुझे लगता है नहीं। बहुत सारे लोग मेहनत करते हैं मगर सभी सफल नहीं होते, सुखी नहीं होते, सबको मन की शांति नहीं मिलती। कभी सोचा ऐसा क्यों होता है? शायद ये भी नहीं सोचा होगा, या सोचा होगा तो कुछ ऐसा सोचा होगा कि इसलिए नहीं मिलता है क्योंकि हम गलत गांव में पैदा हुए, गलत जगह पे पैदा हुए, गलत फैमिली में पैदा हुए, कुछ पूर्व जन्म के हमारे पाप थे, या हमारी कुंडली बराबर नहीं है, यानी कि हम अलग ग्रह के असर के नीचे पैदा हुए, ऐसे कुछ आपके पास रीज़न होंगे। नहीं, मुझे लगता है वो रीज़न नहीं है। मेरे हिसाब से रीज़न क्या है कि ये सब पाने के लिए हम जो मेहनत करते हैं और वो मेहनत में हम जो शक्तियों का उपयोग करते हैं, वो शक्तियों से हम सब लोग अनजान हैं। और वो कौन सी शक्ति की मैं बात कर रहा हूँ? हमारे मन की शक्ति। आपने कभी सोचा है कि आपको मन की शक्ति इतनी दी गई है जितनी आइंस्टाइन के पास थी, जितनी अमिताभ बच्चन के पास है, जितनी मनमोहन सिंह के पास है, जितनी अजीम प्रेम जी के पास है, उतनी ही मन की शक्ति आपके पास है। मगर सब लोग उतनी ऊंचाई तक क्यों नहीं पहुंचते? इसीलिए कि उन्होंने अपनी शक्तियों को पहचाना नहीं है और उनकी शक्तियों का ज़्यादा उपयोग नहीं किया है। वैसे प्रोफेसर विलियम जेम्स ने कहा है कि ज़्यादातर मनुष्य अपने मन की शक्तियों का 1 से 10% ही उपयोग करते हैं। देख लीजिए, सभी के पास 100% शक्ति है, मगर दुख की बात यह है कि ज़्यादातर लोग सिर्फ 1 से 10% शक्ति का इस्तेमाल करते हैं। ऐसा क्यों होता है? मुझे लगता है ऐसा इसलिए होता है कि हमें हमारी शक्तियों के बारे में मालूम ही नहीं है। हमारे पास इतनी शक्तियाँ भरी है कि अगर वो शक्तियों को पहचाने और उसका इस्तेमाल शुरू करें तो हम जो कुछ भी बनना चाहते हैं, जो कुछ भी पाना चाहते हैं, वो सब कुछ बन सकते हैं, सब कुछ पा सकते हैं। मगर लोग क्यों शक्तियों का कम इस्तेमाल करते हैं? रीज़न ये है कि हमें हमारी शक्तियों के बारे में ज़्यादा मालूमत नहीं है। आज हम वही शक्तियों की बात करेंगे जिसके बारे में ज़्यादातर लोग अनजान हैं, खास करके वो मन की शक्तियाँ। लोगों को ये नहीं मालूम कि मन क्या है, मन कहाँ पे है, मन कैसे काम करता है, हमारे पास कितने मन हैं, मन की शक्तियाँ क्या है, मन कौन से सिद्धांत से काम करता है, मन में खास बातें क्या है और मन को कैसे इस्तेमाल किया जाए। आज के प्रोग्राम में हम ये सब चीज़ों की बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करेंगे कि मन क्या है। मन हमारे शरीर में से पैदा हुई एक शक्ति है, एक शक्ति का केंद्र है। इट इज़ ए पॉइंट ऑफ एनर्जी और सोर्स ऑफ एनर्जी। और ये शक्ति हमारे पूरे शरीर को चलाती है और पूरी दुनिया की शक्तियों के साथ जुड़ी हुई है। मन एक बिजली जैसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते मगर उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हमें उसको देखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये सीखना है कि इसको कैसे इस्तेमाल किया जाए। मन के बारे में जो अज्ञानता फैली हुई है, उस अज्ञानता को दूर करने के लिए मैं आपसे कुछ बात करूँगा। सबसे पहले तो मन क्या है, कंप्यूटर के लैंग्वेज में बताया जाए तो दिमाग और मन में बहुत फ़र्क है। दिमाग यानी कि हार्डवेयर और मन यानी कि सॉफ्टवेयर। हम जो इस्तेमाल करते हैं वो सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करते हैं, हार्डवेयर नहीं। मगर इसका मतलब ये नहीं हुआ कि हार्डवेयर की ज़रूरत नहीं है। सॉफ्टवेयर को अच्छी तरह से चलाने के लिए हमारे पास अच्छा से अच्छा हार्डवेयर होना चाहिए। दूसरी भाषा में किया जाए तो मन एक बिजली जैसी शक्ति है जिसको हम देख नहीं सकते, जिसको हम छू नहीं सकते, जिसको काट नहीं सकते, सिर्फ उसका इस्तेमाल करते हैं या नहीं करते हैं। जबकि दिमाग एक पदार्थ है जिसको हम देख सकते हैं, जिसको काट सकते हैं, जिसको छू सकते हैं, जिसका नाश कर सकते हैं, जिसकी फ़ोटो निकाल सकते हैं। यानी कि दिमाग और मन में बहुत फ़र्क है। देर इज़ अ डिफरेंस बिटवीन माइंड एंड द ब्रेन। अब हम बात करेंगे हमारे पास कितने मन हैं।
हमारे पास ऐसे दो मन है, जागृत मन और अर्ध जागृत मन। ये दोनों मन में बहुत तफावत है। जागृत मन और अर्ध जागृत मन में क्या फर्क है? पहली बात यह कि जागृत मन के पास सिर्फ 10% शक्ति है और 90% शक्ति अर्ध जागृत मन के पास है। देखिए, हम सिर्फ जागृत मन के बारे में जानते हैं और जागृत मन को ही समझ के इस्तेमाल करते हैं, जबकि जिनके पास 90% शक्ति है उसको हम पहचानते नहीं और उसकी वजह से उसका इस्तेमाल ठीक से नहीं कर पाते। आज हम ज़्यादा बात करेंगे वो 90% शक्ति वाला अर्ध जागृत मन की। ये दोनों में एक और डिफरेंस है और वो ये है कि जागृत मन सिर्फ जागृत अवस्था में काम करता है, जबकि अर्ध जागृत मन 24 घंटा काम करता है। ये दोनों फर्क जानने के बाद अब हम ये बात करेंगे कि जागृत मन के पास कौन सी शक्तियाँ है और अर्ध जागृत मन के पास कौन सी शक्ति है। जागृत मन के पास की शक्तियों के बारे में पहले बात करते हैं। हमारी जो 5 इंद्रियों के ऊपर काबू है वो जागृत मन के पास है। हम जो मूवमेंट्स करते हैं, हलन चलन करते हैं, वो हलन चलन हमारे जागृत मन से होता है। हम जो सोचते हैं वो सोचने का काम भी हम जागृत मन से करते हैं। और आपको मालूम है दो टाइप की सोच रहती है, सकारात्मक सोच और नकारात्मक सोच। सकारात्मक सोच यानी कैसी सोच? जैसे कि मेरा भाग्य उज्जवल है, सभी लोग अच्छे हैं, मेरे जीवन में कोई समस्या नहीं है, लोग मुझे बहुत चाहते हैं, मैं बहुत कुछ जानकारी रखता हूँ, सतयुग आ रहा है। ये सब सकारात्मक सोच है। अब देख लेते हैं नकारात्मक सोच यानी क्या। नकारात्मक सोच यानी मेरे भाग्य में अंधेरा ही अंधेरा है, किसी का भी विश्वास नहीं करना चाहिए, मेरा जीवन समस्याओं से भरा पड़ा है, लोगों को मेरी कोई कदर नहीं है, मुझे कुछ आता नहीं है, विशाल कलयुग है। ये सब नकारात्मक सोच है। आप क्या सोचते हैं, नकारात्मक क्या सकारात्मक? आपको मालूम होगा क्या सोचते हैं। अब बहुत सारे लोग मेरे पास आके पूछते हैं, साहब आपकी बात सही है, नकारात्मक सोच नहीं करनी चाहिए, मैंने बहुत प्रयत्न किए मगर मैं सफल नहीं हुआ, आप मुझे बताइए इसको कैसे बदला जाए। मैं आपको एक सही तरीका बताता हूँ। जैसे इस कमरे में अंधेरा है, उसको दूर करना है तो आप क्या करेंगे? अंधेरे के लिए कुछ नहीं करते, आप सिर्फ उजाला करते हैं, लाइट जलाते हैं, अपने आप उजाला हो जाता है तो अंधेरा चला जाता है। बिल्कुल वही काम करना है। आपकी अगर नकारात्मक सोच की आदत है और उसको बदल के सकारात्मक करनी है तो आपको क्या करना है? सकारात्मक सोच की आदत शुरू करनी है। उसके लिए एक मनोवैज्ञानिक सिद्धांत ढूंढा गया है कि कोई भी काम हम 21 दिन तक कंटिन्यूसली करेंगे तो 22वें दिन पे हमारी आदत हो जाती है। तो हमें आदत बदलने के लिए क्या करना है? हमें 21 दिन तक सकारात्मक सोच की आदत बनानी है, प्रयत्न के साथ सकारात्मक सोच करनी है। 21 दिन ऐसा करने से 22वें दिन पे हमारी सोच बदल जाएगी और हम सकारात्मक बनना शुरू हो जाएंगे। ये मनोविज्ञान का सिद्धांत है, उसका उपयोग करके आपकी कोई भी आदत आप बदल सकते हैं।